कोरोना महामारी के साथ लोगों को पानी संकट से भी जूझना पड़ रहा है। पानी सप्लाई नहीं होने से परेशान वार्ड 3 के नागरिक कलेक्ट्रेट पहुंचे। वार्ड की महिला केसर देवी ने बताया कि पिछले एक साल से पानी की समस्या बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीएम सेकंड कमल राम मीणा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही फोन कर समस्या का जल्द निवारण करने के लिए कहा। हमारी टंकी आ रही है तुम देखो हमारी मेरा नाम तो बिमला है। कब से समस्या चल रही है? हमारी तो कम से कम आधा साल भर हो जाए समस्या में। टंकी खूब चलती हालत में सारा काम चलती हालत में लेकिन टंकी सुधर में नहीं गई। पैसा उगा उगा के समाज समस्ती का ले ले धक्के इकट्ठा धर रखा है पर कोई सुविधा ना है। पानी धक्का पड़ रहा है टंकी को आज कम से कम 7-8 महीने बंद हुई धरी। इन्हें पैसे भर के लाए हम भी कभी जलदाय विभाग में जाकर शिकायत करेगी। कई बार चला गया संजय सैनी की कोठी पे भी मर गया 3-4 बार यहाँ भी आगा कलेक्टर के कई बार पर कोई सुनवाई ना करे। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहे तुम्हारी जाने तक की सही हो हमको पानी की लेन बिछ रही है तो आसने की निकटान पर है मरमस्ती 2 साल को तो लेन को होगा बिछी को वहाँ भी चालू ना कर हम कहाँ तक क्या समर है मर रहे तो नाव में माई। कहाँ से आए हो? हमको साफ पानी की समस्या है धोबी घट्टा से आया है। क्या समस्या है? तीन वार्ड है और पानी की टंकी कल तोड़ दी चलती चलती। इधर देखो इधर आप बताओ। कल तोड़ दी और वहाँ का पैप वेप स्टार्टर सब हटा दिया। किसने तोड़ दी किसने था? वहाँ ने तोड़ी है वहाँ सुनील ने और ये कहा बीना का संजय ने। कितने दिनों से पानी की समस्या है? कल ही तोड़ी टंकी। पानी की समस्या कितने दिनों से? पानी वानी की समस्या तो चलती आई है सदा से चल रही है। तो कलेक्ट्रेट में क्या करना है? पानी की कैब आया हमारी टंकी तोड़ दी या की कैब आया है? कितने घर में पानी घर बना दे या कौन सा तरीका मर जाए ना आदमी तो नान माई करेगा जला के हमें तो माई नहाएंगे बस की लगे हमारे। अब देखो आपका तो विश्वास ना होगा मेरा ऐसा धक्का लगा कल जो देख लो मेरी कमर टूटी पड़ी है मेरी कमर चलो नहीं जा रहा जब भी आई।